A very good afternoon to you, class. Today we will start with chapter number 8 of macroeconomics, and name of the chapter is short run equilibrium output. Firstly, I would tell you that J.M. Keynes, he is the father of modern economics. Unhone short run theory di hai of employment and income. So according to J.M. Keynes, a period of time during which level of output is determined exclusively by the level of employment in the economy is termed as short run. So in short, isko samajhne ki koshish karte hain. Short run ka matlab hota hai jab hamara level of employment ke according hamara level of output increase or decrease hota hai. Jaise ki if the level of employment increases in the economy, so level of output will simultaneously increase in the economy. Now we will talk about equilibrium output. Equilibrium output ka seedha sa matlab hai ki jitna hum ek saal mein plan karte hain purchase karne ka, utna hi producer plan karta hai sell karne ka. Theek hai? So equilibrium output means it's referred to the level of output where the aggregate demand is equals to the aggregate supply in an economy. It signifies that whatever the producers intend to produce, matlab jo bhi producer plan kar raha produce karne ka during the year, is exactly equal to what the buyer intend to buy during the accounting year. Is question mein, matlab is equation, is cheez mein hamara equation ekdam simple hai, that is AD is equals to C plus I. C plus I, as I already told you in the previous chapter, ये हमारा two sector closed economy है. और हमें पता है AS is equal to C plus S होता है. And we know AD is equal to AS होता है. तो we can say कि I is equal to S भी होता है. तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है? तो consumption, C for consumption, I for investment and S for saving. अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, दैट इज एक्सटेंट मेजर एंड एक्सपोस्ट मेजर. एक्सटेंट मेजर का सीधा सा मतलब है दीज मेजर्स आर प्लान्ड और डिजायर्ड मेजर्स. जो भी चीज हम प्लान करते हैं, जिस चीज की भी हम माइंड में सोचते हैं, नीड होती है, जिसकी डिजायर करते हैं हम कि ये करेंगे हम, ठीक है. एंड एक्सपोस्ट का मतलब है जो एक्चुअल हमारा आउटकम होता है. एक्सटेंट मेजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंट सेविंग एंड एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली एक्सेट पोस्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, दैट इज एक्सेट एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट. एक्सेंट सेविंग देख लेते हैं पहले क्या होती है. दीज आर डिजायर्ड सेविंग. दीज रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट हाउस होल्ड और फर्म वॉन्ट टू सेव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक्सेंट सेविंग्स हमारी डिजायर्ड सेविंग्स होती हैं, जो हम एक अकाउंटिंग ईयर में सेव करने का सोचते हैं कि हाँ हम इस साल इतना सेव करेंगे, वो हमारी क्या होती है, एक्सटेंट सेविंग. अब हम बात करते हैं एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट की. दीज आर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट आर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट. ये बताती है कि इस साल हम इतना इन्वेस्ट करेंगे. दीज रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट हाउस होल्ड और फर्म वॉन्ट टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट. एक्सपोस्ट सेविंग का मतलब होता है कि इस साल में हमने एक्चुअली सेव किया कितना. एंड सिमिलरली एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इस साल हमने कितना इन्वेस्ट किया. सो होपफुली यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट एंड एक्सपोस्ट. एक्सटेंट का मतलब होता है इनिशियल हमारी स्टेज क्या है, व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. एंड एक्सपोस्ट का मतलब है व्हाट इज आर एक्चुअल आउटकम. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑन और इक्विलिब्रियम इनकम. अब हम इस चैप्टर की दो मेन अप्रोच पे ध्यान देंगे. पहली अप्रोच का नाम है ए एस इज इक्वल्स टू ए डी अप्रोच, एंड सेकेंड अप्रोच का नाम है एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच. तो हम शुरुआत करने से पहले कुछ अजम्पशंस अपने दिमाग में रखते हैं जो हमें केंज ने दी है. तो पहली अजम्पशन है शॉर्ट टर्म एनालिसिस. हमें इस चैप्टर पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पे ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है. एंड इधर हमारे टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी सिर्फ और सिर्फ, दैट इज सी प्लस आई. एंड ए एस कर्व जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन.
अब आगे देखते हैं एएसएडी अप्रोच के बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड व्हेन एएस इज इक्वल्स टू एडी. इस अप्रोच का सीधा मुद्दा ये है कि जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा तभी हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर पाएंगे. और हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन को पढ़ लिया है. अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉम्पोनेंट. तो फर्स्टली वी विल फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ सी. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. इसका मतलब है कि हमारा इनकम जीरो होता है एंड स्टिल वी आर कंज्यूमिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज इंडिकेटेड बाय सी बार. एंड एज द कंजम्पशन इनकम राइजेज द कंजम्पशन लेवल ऑल्सो राइजेज. और हम कह सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं इसको, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. बिहेवियर ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अगर हम देखें तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, दैट बी इज हेयर एम पी सी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ आई. अभी हमने हमारे इस चैप्टर में जो आई है दैट इज कॉन्स्टेंट. अब हमें पता चलेगा कि ये कॉन्स्टेंट आई को हम बोलते क्या है. वॉट इज द एक्चुअल टर्म वी यूज फॉर दिस कॉन्स्टेंट आई. सो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज और डिक्रीज बट इन्वेस्टमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब इनकम के बढ़ने या घटने से इन्वेस्टमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एज अ लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लेवल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. ओके, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो केन्ज है उन्होंने कंसीडर किया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. और हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 20. ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो ये एरर है. यू कैन करेक्ट दिस एरर. ओके, तो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इधर 20 है. तो अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं. दिस ब्लू लाइन दैट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंडिकेटिंग इन्वेस्टमेंट लेवल एंड कंजम्पशन. एज यू कैन सी द ग्रीन लाइन इज कंजम्पशन एंड 0 से लेकर 30 तक जो हमारा है दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. अगर हमने सी और आई को जब हमने प्लस कर दिया वी विल गेट ए डी एंड दिस रेड लाइन इज शोइंग द ए डी कर्व एंड दिस ब्लू लाइन इज शोइंग द वाई इनकम लेवल और वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई. एंड वी ऑल्सो नो दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. हमने ये प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था. नाउ वी विल टॉक अबाउट ए डी एंड ए एस और वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई इक्विलिब्रियम लेवल. तो हमें ये टेबल अच्छे समझ आ गई होगी जो कि हम बार बार एक ही टेबल पे काम कर रहे हैं. तो इस टेबल को तो आप आराम से याद कर सकते हो. वाई में आपको 20 का टेबल लेना है एंड सी में आपको 10-10 का डिफरेंस लेना है 30 से स्टार्ट करके एंड आई हमें कॉन्स्टेंट रखना है. इफ वी प्लस सी एंड आई वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड. सो इजिली यू कैन प्लॉट द डायग्राम. इट इज़ वेरी सिंपल एंड एज यू कैन सी इन द ऑब्जर्वेशन दैट ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई एंड ओ के रिटन ओ एंड के. ओ के इज द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जिसको सॉरी ऑटोनोमस कंजम्पशन में जिसको हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग मिनिमम सी एंड मिनिमम आई. एंड 45 डिग्री लाइन है जो कि मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री लिखना भी बहुत जरूरी है. 45 डिग्री लाइन इंडिकेट करती है हमारा इनकम लेवल और एग्रीगेट सप्लाई लेवल. इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट ई. हियर द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वेयर ए एस इज इक्वल्स टू ए डी एंड ई एल इज द डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज द डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई. तो ई एल एज यू कैन सी आराम से ई एल वाली लाइन देखिए तो ये हमारा डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड और डिजायर्ड एग्रीगेट सप्लाई है. ठीक है,